ये है गोकुलधाम सोसाइटी का मेन गेट, और उसके बगल में देखो यहाँ पर ये नई वाली गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ये लोग ने बनाई है। तो अभी चलते हैं इसके अंदर और मैं आपको अंदर से पूरा दिखाता हूँ। हाय गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपको लेकर जा रहा हूँ मुंबई के फिल्म सिटी में, और फिल्म सिटी में मैं आपको दिखाने वाला हूँ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेट। जो की गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स जो आप पहले देखा करते थे वो यहाँ पर मुंबई में एक रियल स्टोर थी, रियल स्टोर के अंदर TMKOC वाले जाकर शूट किया करते थे। लेकिन अभी कुछ रिस्ट्रिक्शन की वजह से, लॉकडाउन के बाद रिस्ट्रिक्शन काफी लग गए, तो इसलिए उन्होंने है ना एक फेक सेट बना लिया, आर्टिफिशियल सेट, जो की वो लोग फिल्म सिटी में ही है, तो वो भी गोकुलधाम सोसाइटी के बराबर बाजू में। पहले वहां पर सोढ़ी गैराज हुआ करता था, तो सोढ़ी गैराज को हटाकर आज के टाइम पे वो लोग ने वहां पर पूरी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बना दी है। तो वही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं आपको पूरा टूर देने वाला हूँ, और वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अंदर से कैसी है, अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे शूट चलते हैं उसके अंदर, और वो भी है ना गोकुलधाम सोसाइटी के बराबर बाजू में ही है। तो देखते हैं, हमें चांस मिला तो मैं आपको गोकुलधाम सोसाइटी भी जरूर दिखाऊंगा। चलते हैं हम यहाँ से फिल्म सिटी, और मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को देखने के लिए और आप लोगों को भी दिखाने के लिए। यहाँ पर गेट पर आते ही सामने आप देख सकते हो ये बॉलीवुड पार्क की ऑफिस है। यहाँ पर मतलब जो बस टूर के लिए जाते हैं उनकी टिकट आप यहाँ से ले सकते हो। और फिर अभी हम चलते हैं यहाँ से अंदर, और ये आगे आते ही आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कोई तो एक TMKOC में ढाबे वाला सीन था, वो यहाँ पर शूट किया गया था। आप सामने देख सकते हो ये रिश्ता क्या कहलाता है, उसका यहाँ पर सीरियल का सेट लगा हुआ है। तो ये अभी है ना काफी बहुत पुराना सेट यहाँ पर लगा हुआ है, करीब 2009 से ये यहाँ पर ही है। और फिर ये आगे की तरफ देख सकते हो यहाँ पर ये कोर्ट रूम का सेट आ चुका। कोर्ट रूम में अभी तो है ना कोई तो शूट चल रहा है, आप सामने देख सकते हो बैनर भी लगा हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट का, तो अभी कोई तो यहाँ पर शूट चल रहा है। हम आ चुके हैं कपिल शर्मा शो के सेट के बाहर की तरफ, और यहीं से हम जा रहे हैं आगे की तरफ। और ये देख सकते हो बाहर से कुछ ऐसा नजारा रहता है, लेकिन अंदर है ना बहुत ज्यादा खूबसूरत रहता है जैसा आप टीवी में देखते हो। और यहाँ से सारे सेलिब्रिटीज लोग की एंट्री होती है, और कपिल वगैरह जो यहाँ से एंट्री करते हैं। और फिर यहाँ पर सारी वैनिटीज भी खड़ी है आप देख सकते हो, और ये सारे जो रूम्स है ना वो सारे आर्टिस्ट लोग के हैं। अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास ही। तो ये देखो ये कुछ नई वाली गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, कुछ ऐसी दिखती है, ये पुराने जैसे इन लोग ने ट्राई किया कि पुरानी जैसी थी उसके जैसे यहाँ पर रेप्लिका ये लोग बना सके। तो देखो एक साइड का शटर बंद है, एक साइड का शटर खुला है, जहां से ये एंट्री एग्जिट गेट बना है पूरा कांच का गेट बना है। और ऊपर की तरफ देखो पूरा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा गया है इंग्लिश में, और नीचे छोटे लेटर्स में हिंदी में भी। दिखने में तो ये है ना जैसी पुरानी थी वैसी सेम टू सेम लगती है, क्या ऐसा लगता है थोड़ा बहुत इसमें रेनोवेशन किया चेंज किया, लेकिन ऐसा मालूम नहीं पड़ता है कि अलग ही लोकेशन पर है ये। ये सामने की तरफ देख सकते हो ये है हमारी गोकुलधाम सोसाइटी का गेट, जो कि आप सीरियल में देखते हो ये सारी दिखाई जाती है। यहीं पर है वो अब्दुल की सोडा शॉप, वो अब्दुल की सोडा शॉप के सामने ये सारे मेकअप रूम्स वो लोग ने बना के रखे। फिर वो मेकअप रूम्स के बाजू में यहाँ पर ये पूरी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है। ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पहले सोढ़ी गैराज हुआ करता था, तो ये सोढ़ी गैराज वो लोग ने हटाकर ये पूरी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बनाई है। तो अभी हम चलते हैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, और मैं आपको अंदर का पूरा नजारा दिखा देता हूँ। तो अंदर जाते ही आप देख सकते हो यहाँ पर स्टार्टिंग में गेट के पास ऐसे लोगोज वगैरह लगाए गए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के। चलते हैं यहाँ से अंदर की तरफ, और मैं आपको अंदर का पूरा दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो अंदर से ये काफी ज्यादा खूबसूरत बनाई गई है, अंदर से काफी ज्यादा यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक के रियल प्रोडक्ट्स रखे गए, वरना वैसे आर्टिफिशियल सेट में कभी ऐसे रियल में प्रोडक्ट्स वगैरह नहीं रहते। सामने देखो काफी सारे टेलीविजन भी है जो कि रियल है सारे, हो सकता है सिर्फ ऊपर के बॉक्स वगैरह वो सिर्फ हो सकता है ऐसे खाली पड़े हो। और ये आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, ऊपर ऐसे यहाँ पर कोई सीलिंग वगैरह नहीं है, ऊपर की तरफ लाइट्स लगाई गई और पत्रे है। अंदर से ये पूरा सेट देखने में ना काफी ज्यादा स्पेशियस है, यहाँ पर ऐसे मतलब मैंने जो पुरानी वाली देखी थी उसमें इतनी ज्यादा स्पेस नहीं थी, यहाँ पर काफी सारी स्पेस है। यहाँ से आप देखो यहाँ से हमें बाहर का पूरा व्यू दिखाई दे रहा है, बाहर ऐसे सामने है ना ये ऐसे पोस्टर्स लगाए गए, ऐसा लगता है कि हमें सामने और कोई दुकानें वगैरह है, ऐसा हमें सीरियल में दिखाया जाता है, लेकिन सामने ऐसे सिर्फ पोस्टर वो लोग ने लगाए ऐसे सीरियल में दिखाने के लिए। और फिर यहाँ आप देख सकते हो ये टेबल के नीचे की तरफ काफी खूबसूरत लेटर्स में यहाँ पर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा गया है, जैसे पुरानी वाले में भी लिखा रहता था। और देखो ओवरऑल लुक काफी खूबसूरत लग रही है ये स्टोर तो वैसे। और देखो ये है ओवरऑल लुक गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का, और देखो नीचे की तरफ टेबल पर भी यहाँ पर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा गया है। और देखो साइड में काफी सारे ऐसे स्मार्टफोन्स पड़े हुए हैं, अभी पूरी स्टोर को है ना सजा के रखा गया है, क्योंकि अभी ये स्टोर को यहाँ पर कुछ तो फंक्शन चल रहा है, यहाँ पर मीडिया इंटरेक्शंस भी काफी सारे हो रहे हैं, इसीलिए तब से काफी सारे यहाँ पर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में ये लोग ने स्टोरीज अपनी शूट की है, वरना पहले इतनी ज्यादा हमें स्टोरीज पूरी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स पर डेडिकेटेड नहीं मिल रही थी, अभी तो देखो काफी सारी स्टोरीज आ रही है। और यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, ये देख सकते हो ये जेठालाल जी की यहाँ पर चेयर रखी गई है, चेयर भी ये यार ये येलो कलर की काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। और सामने की तरफ देख सकते हो आसिफ जी खड़े हैं शो के डायरेक्टर, उनका अभी कुछ यहाँ पर मीडिया के साथ इंटरव्यूज चल रहे हैं। आपको भी ये वाली स्टोर कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर ये स्टोर में जेठालाल जी भी आए थे अपना इंटरव्यूज वगैरह देने के लिए। ये स्टोर को मैंने जब भी देखा ना मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि ये लोग ने सेट बना के रखा है, मुझे भी ऐसा लगा कि वो जो पुरानी थी उसके जैसा ही सेम टू सेम रेप्लिका यहाँ पर उन्होंने बना दिया। और हम आ चुके हैं यहाँ से बाहर की तरफ, और सामने देखो गोकुलधाम सोसाइटी का मेन गेट है, और ये साइड में आप जो ब्लू वाले पत्रे देख रहे हो ना वहां पर सारे आर्टिस्ट के मेकअप रूम्स बनाए गए हैं। बड़ा स्टूडियो जैसा देख रहे हो ना वो एक्चुअली खाली फ्लोर्स रहते हैं, मतलब उसके अंदर सेट लगाए जाते
जाते हैं जिसको भी जो भी सीन वहाँ पर शूट करना रहता है। तो उसके अंदर है ना कुसु कुसु सॉन्ग का शूट हुआ था, नौरा फतेही का यहीं पर सॉन्ग शूट हुआ था, जो कि नीला टेली प्रोडक्शंस वालों का ये स्टूडियो भी है। ये देख सकते हो ये हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर केबीसी के सेट की तरफ। ये पूरा फ्लोर है ना ये स्टूडियो के अंदर केबीसी का शूट चलता है। और सामने की तरफ देख सकते हो केबीसी के सारे पोस्टर्स वहाँ पर लगे हुए हैं। और ये वाली कार है ना शायद से अमिताभ बच्चन सर की है, और वो वाली वैनिटी भी है ना वो यहाँ पर अमिताभ बच्चन सर की है। सो गाइस मैंने आपको दिखाया यही कुछ था ये ओवरऑल लुक ये न्यू गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि पहले ये जो शूट किया जाता था गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का एरिया ये एक रियल स्टोर हुआ करती थी मुंबई में, जिसका मैंने काफी सारे ब्लॉग्स उसके भी बनाए हुए हैं, आप जाकर चेक कर सकते हो। क्योंकि एक्चुअली रेजिडेंशियल एरिया में थी वो, पब्लिक वहां से काफी ज्यादा आती जाती थी, तो ऑफकोर्स शूट में ऐसी चीजें नहीं चल सकती और शूट में वो डिस्टर्ब होती थी वो सारी चीजें, इसलिए फिर उन्होंने है ना ये गोकुलधाम सोसाइटी के बगल में यहाँ पर पूरा सेट बना दिया। ये जो पहले यहाँ पर सोडी गैराज हुआ करता था, सोडी गैराज को हटाकर वो लोग ने यहाँ पर पूरी ये गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बना दी। फिर आपने भी देखा ये गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ये लोग न्यू दुकान बनने के बाद काफी सारे यहाँ पर उसके अंदर सीन शूट किए जाते थे, वरना फिर जो पुरानी वाली थी वो क्योंकि रियली में थी रेजिडेंशियल एरिया में थी तो वहां पर वो लोग जाकर ज्यादा टाइम तक शूट नहीं कर पाते थे, वो लोग कभी वीक में एक बार या फिर महीने में एक दो बार वहां पर जाकर शूट किया करते थे। पूरे जो स्टोरी रहती थी वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट, वहां पर उनको ज्यादा टाइम चाहिए गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, तो वो लोग रियल स्टोर में नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए वो लोग ने पूरा सेट बना दिया गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का। वहीं पर आज देखो काफी सारे एपिसोड, काफी सारे कॉन्सेप्चुअल स्टोरीज वहां पर अभी शूट किए जा रहे हैं और आप लोगों को दिखाए जाते हैं। लेकिन ये जो गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का सेट बनाया ना वो अंदर से काफी ज्यादा स्पेशियस है, काफी ज्यादा बड़ा भी बनाया जो कि आपने देखा है, वरना जो पुरानी वाली स्टोर थी वो इतनी ज्यादा मतलब बड़ी नहीं थी वहां पर एक्चुअली में शूट हो सके। लेकिन देखो वो लोग ने काफी सालों तक पुरानी वाली में भी शूट किया, वो पुराने वाले की स्टोरी अगर आपको जाननी है ना तो आप मेरे वो पुराने वाले वीडियोस देख सकते हो, गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसकी स्टोरी भी कुछ ऐसी थी कि वो लोग रैंडमली वो स्टोर पर पहुंचे, वो लोग ने रैंडमली शूट वहां पर करना है एक दो दिन के लिए स्टार्ट किया, फिर वो एक दो दिन करते करते वो लोग आज इतने सालों तक सेम ही स्टोर यूज करते आ रहे थे। फिर लेकिन देखो वहां पर लॉकडाउन लगने की वजह से, लॉकडाउन में वहां पर आउटडोर जाकर शूट करना अलाउड नहीं था लॉकडाउन में ज्यादा, इसीलिए वो लोग ने फिर यहाँ पर गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स सेट बनाने का सोचा। गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है ना गोकुलधाम के एकदम बराबर बगल में बनाई गई है, वरना गोकुलधाम सोसाइटी वो फिल्म सिटी गोरेगांव में हुआ करती थी और पुरानी वाली हमारी गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ये खार एरिया में थी, जो कि आना जाना भी काफी लंबा पड़ता था उनको। पुरानी वाली गढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स वापस से देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, हम वहां पर चल के भी एक बार जरूर वीडियो बनाएंगे, उनके रियल लाइफ ओनर से भी वापस से मिलेंगे, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे टीएम के उसी के साथ। बस आपको भी ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे नीचे कॉमेंट्स में जरूर बताना, और अभी हम एनआईके वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। सो गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डू हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आल्सो क्लिक द बेल आइकन। सो गाइस स्टे सेफ, स्प्रेड लव एंड हैप्पीनेस, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट डू द रॉन्ग थिंग्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल दैट टाइम गुड बाय।